हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के नेचर के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन लेने आए हैं। आज का सेशन जो है ग्राफिकल अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, मतलब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन लेक्चर नंबर थर्ड, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले बात करें कि सर व्हाट इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप कहोगे सर एनीथिंग, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा सर देखो डिग्री इसकी 2 है, दैट्स वाई इट इज क्वाड्रेटिक, और वाई लिखा हुआ है, दैट वाइज इट इज एक्सप्रेशन। ओके ठीक है, लॉक। तो आपने कहा यस सर इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है तो इसका ग्राफ बनेगा। तो अभी बात आई कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैंने कहा देखो ये एक्स का क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये ए पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ए। ठीक है, और ए बोलते हैं लीडिंग कोफिशियंट। तो अभी रफली ये याद रखो कि ए जो है हमारा जो लीडिंग कोफिशियंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव, या फिर हमारा ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है तो आप कहोगे सर हमारा ग्राफ ऐसे होगा, अपवर्ड पैराबोला। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक बात। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको आप बोलोगे डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्स का क्वाड्रेटिक अगर लीडिंग, इफ लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी बात कंप्लीट हो गई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैंने बनाया वाई इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगेन हमने क्वाड्रेटिक लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अभी एक काम करते हैं, ये जो भी हमने क्वाड्रेटिक लिया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट कर लेते हैं ए पॉजिटिव है। पहले एक केस स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम अपवर्ड पैराबोला को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ओके, इन्होंने कहा आप अपवर्ड पैराबोला को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करें, दो स्ट्रेट लाइन चूज करते हैं। ठीक है, वी टेक टू स्ट्रेट लाइन्स, वही एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सपोज ऐसे लिखा और ऐसे बना। ठीक है, ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये बताओ अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? अच्छा, तो यहाँ पर टास्क दिया गया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपने कहा सर किसी की भी रिस्पेक्ट में, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा ग्राफ तीन पोजीशन पर जा सकता है। कैसा तीन पोजीशन? उस लाइन को कट करते हुए जा सकता है, हाँ सर। उस लाइन को टच करते हुए जा सकता है, हाँ सर। और हैंग कर सकता है। ओके, मतलब आपने कहा कि सर इसका मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। अब ये मत पूछना, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये ऐसे क्यों बनेगा, ये इधर उधर। मैं कह रहा हूँ मैं लेफ्ट राइट नहीं कर रहा हूँ, हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा। तो कोई भी पैराबोलिक ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस तीन टाइप की कंडीशन देता है, इंटरसेक्टिंग, ऐसे जी ग्राफ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा बन रहा होगा टचेस, देखो एक्स एक्सेस रिस्पेक्ट में टच करते हुए गया, यहाँ देखो ये टच कर रहा है, और या फिर हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसे बन रहा होगा जिसको आप कहोगे हैंगिंग। ठीक है, तो इसमें जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल सा तरीका, बड़ा सिंपल सा, जिसे आपको रट जाएगा, है ना। तो आपने कहा सर अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ अगर हम एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें, लेट इट इज एक्स एक्सेस, तो अगर हम एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ तीन पोजीशंस में रन करेगा, एंड दीज पोजीशंस आर, ये पोजीशन क्या है, आपने कहा सर इसको मुझे कहना चाहिए इंटरसेक्टिंग पोजीशन, इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल सही बात। ये पोजीशन कैसी बेटा, टचेज, ग्राफ टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है,
एक्स एक्सेस को, और इसको हम बोलते हैं हैंगिंग। हैंगिंग, हैंगिंग वर्ड मतलब लटकना, है ना। तो ग्राफ झूल रहा है, हैंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, एक्स एक्सेस नीचे है, ग्राफ ऊपर हैंग कर रहा है। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म। फिर से मैंने पूछा कि अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ कितनी कंडीशंस जनरेट कर सकता है। आपने कहा सर 3 कंडीशंस। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस ये ग्राफ हैंगिंग, टचिंग और इंटरसेक्टिंग। वंस अगेन, व्हाट आर द हैंगिंग, टचिंग और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। आपने कहा सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। चलो अब इसी को और आगे डिटेल में बात करें। ठीक, तो डिटेल में ये बात कर रहे हैं, अगले पॉइंट्स में आ गए। अगले पॉइंट्स में मैंने एक्स एक्सेस, ठीक है, और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इट इज एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। अब सपोज दैट कि हमने अपना एक ग्राफ बनाया इस टाइप से। ये कैसा ग्राफ है? आप इस ग्राफ को देख के कहोगे सर ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इट इज द ग्राफ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? आपने कहा सर एक्स एक्सेस को। ये ग्राफ एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज यहां पर अल्फा और बीटा पर। अच्छा, कोई भी ग्राफ अगर अल्फा बीटा एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर वो एक्स एक्सेस को मीट कर रहा है। एक्स एक्सेस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। अच्छा, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, मतलब अल्फा बीटा इसके क्या हो गए? रूट्स हो गए। तो मैं अभी हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि इस ग्राफ को अगर हम देखें, इसकी पिक्चर जो देख रहे हैं उससे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने कहा सर अगर इस ग्राफ को हम देखें तो हम इसके कह सकते हैं कि सर ये ग्राफ एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, बिल्कुल सही बात। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई इस ग्राफ को देख करके क्या व्यू, तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि सर ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कट कर रहा है। फिर उसने कहा कि सर ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और क्या है? आप उसने कहा सर ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल सही बात है, पैराबोला। और मैंने पूछा उससे कि और क्या इस पिक्चर में देख के समझ में आ रहा है। उसने कहा कि सर इस पिक्चर में एक चीज और समझ में आ रही है, ये ब्रांचेस पॉजिटिव होती हैं अबव एक्स एक्सेस, यहाँ पर निगेटिव होता है, ये निगेटिव हिस्सा बोलते हैं, और यहाँ पर जीरो होता है। मतलब ये कह रहा है कि सर हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, एंड निगेटिव भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो एक सिंपल से तरीके में एक बच्चे ने कहा कि सर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इवन एक बच्चे ने कहा सर मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि ये पॉइंट इधर की तरफ बने हैं। अच्छा, इधर की तरफ बने मतलब ये दोनों रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। देखो ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस है, और वाई एक्सेस कि इस साइड आप चल रहे हो, ओरिजन यहां पर है। ओके, तो इस ग्राफ को देखकर हम क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला है, ये एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन है ओवरऑल एक्सप्रेशन समवेयर पॉजिटिव समवेयर निगेटिव एंड बिकम जीरो। हमने कहा और क्या समझ में आ रहा है? आपने कहा सर एक बात, अब कुछ बच्चे ने कहा जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी, वो ये कह रहा है कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक 2 रूट्स कैरी करता है, 2 रूट्स कैरी करता है, तो सर हम इसका डी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। तो इसका डी ग्रेटर 0 है। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर डी ग्रेटर 0 का मतलब ये होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बिल्कुल सही बात है, डी ग्रेटर 0। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 0 होगा। मतलब ये जो पॉइंट था इसी पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट 2 पॉइंट, इसी का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। और तीसरा अपवर्ड पैराबोला है, तो आपने कहा सर लीडिंग कोफिशियंट जो होगा, लीडिंग कोफिशियंट कैसा होना चाहिए बच्चे? पॉजिटिव। ओके, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो हमें यही सीखना था कि एक अपवर्ड पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ये 2 रियल रूट्स कैरी करता है। इस केस में आप कहोगे इसका डी कैसा होगा? ग्रेटर 0। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दीज आर द
रियल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसी तरह हम सेकंड कंडीशन में चले, तो सेकंड कंडीशन में हमने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिया है, ठीक है सर, और हम अपना ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, ये देखो ये टच करते हुए ग्राफ गया। तो अगर ये ग्राफ टच करते हुए जा रहा है, फिर से मैंने आपसे पूछा कमेंट कमेंट करिए, तो आपने कहा सर ये जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला है, इट इज़ अपवर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, इट टचेज़ द कर्व, टचेज़ द एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक्स यू टच कर रहा है एक पॉइंट पर, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इसके इक्वल हो गए, ओके। और रूट्स अगर इक्वल हो गए तो दैट मीन्स इसका डी कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा या डी इक्वल टू जीरो होगा। मैंने आपसे पूछा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपने कहा नहीं सर इसे देखो डी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि रूट्स इक्वल होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, और मैंने पूछा क्या है, आपने कहा और सर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है ये हमेशा, ये निगेटिव तो बनेगा ही नहीं, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जीरो या जीरो से बड़ा होगा, गॉट इट। तो एक अपवर्ड पैराबोला इफ टचेस द एक्स एक्सिस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन, अपवर्ड यस सर, टचेस एक्स एक्सिस यस सर, रूट्स आर इक्वल यस सर, डी इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, एंड व्हाट द नेक्स्ट, एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर इक्वल जीरो, डन। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट में, अगले प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ना, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन इसमें मैनेज करता है, और ये रहा हमारा पैराबोला हैंगिंग, ठीक है। तो इट्स मैंने फिर लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पर काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में भी पूछे गए हैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पर, है ना। ये कॉन्सेप्ट है क्या, आपने कहा सर ये ग्राफ बना, पहले इसकी बात करें, तो इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट, ठीक है, कि सर इट इज़ अ हैंगिंग, ये हैंगिंग ग्राफ है, हैंगिंग अपवर्ड पैराबोला, हैंगिंग अपवर्ड और पैराबोला, ठीक है भाई। हैंगिंग क्यों, एक्स एक्सिस के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं, नो कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस, दैट्स वाई इट इज हैंगिंग, ओके फाइन। अपवर्ड क्यों, डायरेक्शन इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। पैराबोला, आपने कहा सर पैराबोलिक प्रोफाइल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए पैराबोला, ओके। तो हैंगिंग अपवर्ड पैराबोला का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने कहा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एफ एक्स, सर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछे गए, मैंने कहा ना आईटी में इस पर क्वेश्चन बने, तो किस टाइप के क्वेश्चन बने, ये पूछते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव करना है, तो एफ एक्स ग्रेटर जीरो कहाँ पर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, कहाँ पर भाई, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हम एक्स कुछ भी रखें फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आप कर रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, ये कहा गया कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव करना है, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव करना है तो उसे अपवर्ड और हैंगिंग करना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड एंड हैंगिंग। या दूसरा, इफ वी हैव अपवर्ड एंड हैंगिंग पैराबोला, तो दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, डाउट एनीबडी, रिवर्स कॉन्सेप्ट, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाट वी हैव टू डू, आपने कहा अपवर्ड एंड हैंगिंग, एंड इफ वो पैराबोला अपवर्ड एंड हैंगिंग, देन व्हाट इज द कंक्लूजन, आपने कहा एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओके फाइन। थर्ड स्ट्रक्चर, अगर कोई इक्वेशन हैंग करते हुए जा रहा है तो नो कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, नो कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तभी तो आपने कहा सर तभी तो मैं इसे हैंगिंग कर रहा हूं कि ये लटकता हुआ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक्स के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट नो रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सिस्टम को जीरो बना सके, क्योंकि जीरो बनता तो ये यहाँ आता, तो नो रियल रूट्स, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, डी लेस देन इक्वल जीरो या लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, क्योंकि D less than zero, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इट मीन्स D कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो, मत मीन्स नो रियल रूट, ठीक है। तो आपसे याद रखना है कि अपवर्ड हैंगिंग पैराबोला में क्या क्या सीखना है,
आपने कहा सर ये अपवर्ड और हैंगिंग पैराबोला में क्या होता है, डी लेस देन जीरो होता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ क्या होता है, एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर जीरो होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक। और ये सारा काम कब होता है, इफ लीडिंग कोफिशेंट पॉजिटिव। अभी मैं एक बार और समराइज कराऊंगा, लीडिंग कोफिशेंट पॉजिटिव। ओके तो फाइनल करते हैं कि अगर हमारे पास लीडिंग कोफिशेंट पॉजिटिव है, एक्स का क्वाड्रेटिक है, हैंगिंग पैराबोला है, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, नो रियल रूट्स, डी लेस देन जीरो, एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर जीरो। ओके फाइन ठीक है। तो ये आप फिर से वापस आए तो हमने ये देखा, वापस आओ तो वापस आज हमारा डिस्कशन था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेकर। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक्स का अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो आपने कहा सर क्वाड्रेटिक इन एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब वो पैराबोला कैसा बनेगा डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशियंट कैसा है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशियंट, ए इज ऑल्सो नेम एज लीडिंग कोफिशियंट। तो डिपेंड करता है कि हमारा लीडिंग कोफिशियंट कैसा है। लीडिंग कोफिशियंट मतलब नंबर, अब ये नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ लीडिंग कोफिशियंट इज पॉजिटिव ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, लीडिंग कोफिशियंट नेगेटिव ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। गॉट इट, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। नेक्स्ट वन, अब आपने कहा सर अपवर्ड पैराबोला तो चलो ठीक है, अब अपवर्ड पैराबोला को अगर हम जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस आएगा, तो एक्स एक्सिस को मैं कैसे ड्रॉ करूं, कट करते जाऊं, मतलब आपने ये कहा ये तो सर समझ में आ गया ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। तो वही कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपवर्ड पैराबोला तीन तरीके से ड्रॉ हो सकता है, या तो वो एक्सिस को कट मारते हुए गया होगा, या जस्ट टच मारते हुए गया होगा, और या फिर हैंग करेगा। तो वी हैव थ्री कंडीशंस, एनी डाउट, नो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट अबाउट इफ इंटरसेक्ट, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या है। हमने कहा अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको खुद दिख रहा है कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, इट इज अ अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सप्रेशन, समवेयर पॉजिटिव समवेयर जीरो एंड समवेयर नेगेटिव। अच्छा अब चूंकि आप कह रहे हो कि सर ये जो क्वाड्रेटिक है वो दो पॉइंट पर जीरो बन रहा है, मतलब दो रूट्स कैरी कर रहा है, कोई क्वाड्रेटिक टू रियल रूट्स कैरी करता है, तो व्हाट अबाउट डी, डी ग्रेटर जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगली कहानी है एफ एक्स ग्रेटर जीरो इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो, और लास्ट लिखा है लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव। क्या लिखा बच्चे, लीडिंग कोफिशियंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला इंटरसेक्ट, तो फिर फाइनल यहाँ कंक्लूजन क्या हुआ, आपने कहा सर इंटरसेक्टिंग केस है मतलब डी ग्रेटर जीरो, इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ये भी लॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले केस में, हमने देखा कि हमारे पास अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो इसका डी कैसा होगा, आपने कहा सर डी इक्वल्स टू जीरो होगा और एफ एक्स हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, डन, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हैंगिंग पैराबोला, मैंने कहा थोड़ा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बने, तो हैंगिंग पैराबोला में क्या समझ में आया कि सर नो रियल रूट, कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नहीं तो रियल रूट कहाँ होंगे, तो डी डेफिनेटली लेस देन जीरो है। एफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, और लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव ऑब्वियस बात है क्योंकि आप अपवर्ड पैराबोला बना रहे हो, यहाँ तक मामला क्लियर, ठीक। अब सेम मैनर में, ठीक है, सेम मैनर में हम डाउनवर्ड पैराबोला पर चलते हैं, ठीक है, इसको एक साथ में खत्म कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नेगेटिव, अभी कह रहे हैं ए हमारा नेगेटिव है, तो आपने कहा सर दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया नेगेटिव ए है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, बिल्कुल सही जवाब। अब फिर आपने कहा सर अगर एक डाउनवर्ड पैराबोला है तो वो तीन कंडीशन स्टेबल कर सकता है, स्टेबलिश कर सकता है, ठीक है, तीन कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट मैंने पूछा फर्स्ट कौन सा, आपने कहा सर कुछ ऐसा इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आया सेकंड, अभी मैं बना लेता हूँ ग्राफ, सेकंड मैंने कहा टचिंग कुछ ऐसा, उसी तरह बिल्कुल रिलेटिव टू एक्स एक्सिस, एंड थर्ड वन हमने कहा हैंगिंग, बिल्कुल ठीक है, तो इट्स अ
हैंगिंग पैराबोला ऐसे। अब इन तीन कंडीशंस पे अगर हम काम करें तो आपने देखा कि यहां पर सर दो पॉइंट्स पे कट हो रहा है, मतलब क्या है, डी कैसा है इसका, ग्रेटर जीरो, क्योंकि अगर टू पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो टू रियल रूट्स, क्लियर, क्योंकि पहले सेशन में अच्छा समझ गए हैं तो डायरेक्ट करते हैं। तो दो, देखो कभी भी ग्राफ एक्सेस को कट मार रहा है तो जहां कट मार रहा है वहां वो जीरो बन रहा है, वही तो रूट्स हो गए। तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक के पास कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, तो टू डिफरेंट रूट्स मतलब डी ग्रेटर जीरो। दूसरी बात, एफ एक्स कैसा होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने कहा सर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, ये भी डन। सेकंड ग्राफ में आते हैं, सेकंड ग्राफ में क्या है, सेकंड ग्राफ में डी इक्वल्स टू जीरो है फर्स्ट वन, और दूसरा एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो है, भाई ये जो क्वाड्रेटिक है वो जीरो होगा या नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। इस केस में आपने कहा सर ये तो हैंगिंग वाला केस है, बिल्कुल सही बात है, और हैंगिंग केस में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है एक्स एक्सेस से, तो पहली बात इसका डी कैसा होगा, लेस देन जीरो। रियल रूट तो आप भूल जाओ भाई, रियल रूट कहाँ से मिलेगा, रियल रूट चाहिए तो आप एक्स एक्सेस पे आओ, आ ही नहीं रहो। दूसरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स कैसा होगा, लेस देन जीरो, हमेशा नेगेटिव होगा। तो फिर ये वाला भी ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये तीन केसेस हैं डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, और ध्यान रखो ये केसेस हमने किसके लिए लिए हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम पैराबोला का ग्राफ कैसे बनाए, एक बार और क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। अभी ये जो ग्राफ बना, जरूरी नहीं कि यहाँ बनेगा, ये इधर 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 कहीं बन सकता है, मतलब आपके ग्राफ ऐसे भी बन सकते हैं। चलो एक मैं, ठीक है, थोड़ा सा एक और आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ हमारे हैं वो कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे ऐसे आया, यहाँ टच करते हुए गया, यहाँ टच करते हुए गया, समझ में आया, ऐसे यहाँ टच करते हुए गया, मतलब ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हम जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब टच, कट या हैंग, बाकी ये लेफ्ट राइट में कुछ भी भाग सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक में और क्या चीजें गिवन है, ठीक है। आई थिंक इतना समझाने की कोशिश करी, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़े से और पॉइंट्स निकालें, इसी में और थोड़ा डिटेल में बात करें। देखो अभी मैंने ये कहा, ठीक है, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स एक्सिस ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सारे ग्राफ को एक साथ में लाऊं, एक साथ, तो आपने कहा सर अपवर्ड पैराबोला में देखो ये तीन केस बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बोलो यस या नो, बिल्कुल सही है। देख लो अब ये सारी चीजें मैंने खटाक से एक जगह पर, ठीक है, ड्रैग कर दी। फिर आ जाओ सेकंड, यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा, आपने कहा सर तीन टाइप का, फर्स्ट, सेकंड, टचिंग और हैंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताओ अब क्या करें, आपने कहा सर लिखना स्टार्ट करते हैं, व्हाट अबाउट दिस, डी ग्रेटर जीरो, व्हाट अबाउट दिस, डी इक्वल जीरो, क्यों, क्योंकि एक रूट इक्वल रूट्स आएंगे और यहाँ पर डी लेस देन जीरो, टू रियल एंड डिस्टिंग, टू इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। बाकी क्वाड्रेटिक की बात करें, एफ एक्स कैसा है, आपने कहा सर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक, यहाँ एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर इक्वल जीरो, इसके पास एफ एक्स कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर जीरो, और ये सब कहानी कब हो रही है, फॉर अपवर्ड पैराबोला, अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड है, ओके, ठीक। ये कैसे डिसाइड हुआ, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहां पर कहानी बताओ जल्दी से, डी कैसा, ग्रेटर जीरो, डी कैसा, इक्वल जीरो, डी कैसा, लेस देन जीरो, एक्सप्रेशन कैसा, एफ एक्स बताओ, आपने कहा सर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, वेरी गुड, एक्सप्रेशन कैसा, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक, एक्सप्रेशन कैसा, सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव, नेगेटिव एंड जीरो, डाउनवर्ड था, ठीक है। तो एक काम करें ना, इसको हम क्या लिख दें, लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर कैसा, एफ एक्स आल्सो ऑलवेज लेस देन जीरो, डन, ठीक, ये पॉइंट क्लियर, कोई डाउट, तो एक साथ अभी पिक्चर्स को बनाया। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, ठीक है, एक की पॉइंट जो आपको लर्न करना चाहिए,
क्वेश्चन के लिए वो ये कि मेरे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है या इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है और कहा गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब ये कहा गया कि एफ एक्स पॉजिटिव है, हम एक्स कुछ भी रख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या सीखना है, अपवर्ड अपवर्ड एंड हैंगिंग हैंगिंग, बस पैराबोला ये दिमाग में लाना है ना कि यार मुझे हमेशा प्लस कब मिलेगा, जब हम ऊपर की तरफ होंगे और हैंग करते जाएंगे। अब अपवर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है, लीडिंग कोफिशियंट की है, किसकी बच्चा, लीडिंग कोफिशियंट, तो यहाँ लीडिंग कोफिशियंट ए है तो लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव, जो भी लिखा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ए थोड़ी होता है, ए माइनस वन लिखा है, टू ए माइनस वन लिखा है, लैम्डा लिख दिया, वट एवर भी, तो आपने कहा सर ऐसे याद रखना लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और हैंगिंग पैराबोला होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अभी आपको ये रट्टा मारना है कि इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, हमें किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव करना है तो अपवर्ड और हैंगिंग करना होगा। ये मामला बिल्कुल क्लियर कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव फिलहाल इसके हिसाब से हो गया ए ग्रेटर जीरो और डी लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ठीक है ओके। तो इसी तरह आपने फिर जानने की कोशिश करी कि सर व्हाट अबाउट, ठीक है क्या ऐसे ही कुछ हम डाउनवर्ड के लिए भी कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए, हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड इशू में देखो, ठीक सेकंड इशू मैंने कहा कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक, फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एफ एक्स, और मुझे स्टेटमेंट दिया गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक। अब ये चाहते हैं कि आप पैराबोला को हमेशा के लिए नेगेटिव कर दो, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, और रे सर दिमाग में तो ये स्ट्राइक किया ऑलवेज नेगेटिव करना है तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला बनाओ और हैंगिंग बनाओ, हैंगिंग डाउनवर्ड, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ग्राफ होगा ना तुरंत खटाक से होगा सर नीचे जाना है, ऐसे डाउनवर्ड हैंगिंग। अब डाउनवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, आपने कहा सर डाउनवर्ड करने के लिए हम लीडिंग कोफिशियंट, ठीक है किसको, लीडिंग कोफिशियंट, तो हम लीडिंग कोफिशियंट को नेगेटिव करेंगे और हैंगिंग के लिए डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कर देंगे, ओके डन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको कंपल्सरी रूप से रट्टा मारना है, लर्न करना है, ठीक, ये भी आर्टिकल कंप्लीट। अब चलते हैं, ठीक है, ग्राफ को और थोड़ा स्टडी करें। अच्छा अभी और स्टडी करना है, मैंने कहा बिल्कुल। अब इस ग्राफ में ये बात तो कन्फर्म हो गई, ठीक है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव और रूट रियल होंगे या नॉन रियल। चलो अभी एक काम करते हैं, इस पर जरा हम चेक करते हैं कि हमने अब क्या कॉन्फिडेंस गेन किया। तो कॉन्फिडेंस गेन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेटअप किया है ना, और आपको क्या करना आपको पता है, आप इनके आंसर्स मार्क करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपका क्या क्या आंसर आया। फिलहाल ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको ये पिक्चर दिख रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, ये एक पिक्चर दिख रही है और इस पिक्चर को देख के आपको बहुत सारे कमेंट करने हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट हो जाओ, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, और अभी नहीं कनेक्ट कर पाए हो तो आप फिर से लेक्चर को एक बार रिव्यू करो और फिर काम करो। चलो देखें टैली करते हैं। फिलहाल ये पिक्चर कैसी दिख रही है, अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड। अपवर्ड पैराबोला का मतलब एक ऐसा होगा पॉजिटिव, ठीक भाई, ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आपने कहा सर पॉजिटिव, तो सी ऑप्शन डन, सी तो डन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अच्छा ये जो पैराबोला है वो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है पैराबोला तो इसका डी कैसा होगा, आपने कहा सर डी तो ग्रेटर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसके टू रियल रूट्स हैं अलग अलग, तो डी ग्रेटर जीरो, ये भी डन। अच्छा डी क्या होता है, आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर जीरो, गुड ग्रेट। तो क्या ए ऑप्शन भी लॉक हो गया, यस, आपने कहा सर ए भी लॉक हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो नए इश्यूज आ गए, कौन कौन से, बी और डी, मतलब ये कह रहे हैं कि सर इस क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में हम बी कैसे डिसाइड करें और सी कैसे डिसाइड करें। बात तो सही है, कैसे डिसाइड करें, तो मैं इस पर आपको एक थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ, टेक्निकल सपोर्ट, जरा बैक पर आए, देखो ध्यान से सुनना। अब ये कभी भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है,
वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। और हमें इसका एक ग्राफ प्रोवाइड कर दिया कुछ लाइक वाइज ऐसे, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा, डी कैसा होगा, राइट। तो इसमें बेटे क्या होता है, हम दो चीजों के आंसर तो बहुत फास्टली कर लेते हैं, कौन कौन से, ए और डी के, क्योंकि आपने कहा सर ये अपवर्ड है तो ए तो डन, ठीक है, ए पॉजिटिव होगा। तो ए का डिसीजन हम पिक्चर देख के बना सकते हैं कि सर अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिसीजन अप और डाउन, ठीक है। ग्राफ को देखेंगे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव डाल देंगे, ठीक है, और डाउन है तो नेगेटिव डाल देंगे, डन। फिर आपने कहा सर डी का डिसीजन हम आसानी से कर सकते हैं, मैंने पूछा कैसे, आपने कहा सर अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो डी की तीन वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड करेगा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, नो इंटरसेक्ट, ग्राफ हैंग कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, और टच कर रहा है तो जीरो। ये अभी भी खूब सीखा मैंने, दो बार चीजों को रिवाइंड कराया, ये भी रट गया। अब आपने कहा सर मेन इशू तो यही है कि बी और सी में कैसे डिसाइड करूं, अरे हमने कहा इसमें क्या है, आप अच्छा बताओ इस एक्सप्रेशन में एक्स जीरो रख देते हैं तो सी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एक्स जीरो का मतलब वाई एक्सेस। तो सिंपल सा आपको ये देखना है, सी के लिए आपको ये देखना है ग्राफ, ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, कि ग्राफ वाई एक्सेस विद वाई एक्सेस कह देते हैं, रिस्पेक्ट छोड़ो, रिस्पेक्ट हटाओ, है ना, सीधा सीधा इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद वाई एक्सेस, कि हमारा ग्राफ वाई एक्सेस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वाई एक्सेस को ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप कहोगे सर तीन पोजिशन होगी, तीन पोजिशन, या तो आपका ग्राफ वाई एक्सेस को, ठीक है ना, ऐसे ऊपर y एक्सेस को ऊपर कट कर रहा है, या फिर एग्जैक्ट ओरिजिन से जा रहा है, या नीचे कट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है उसने y एक्सेस को कहाँ कट किया है, अप, जीरो या डाउन। अगर अप कट करता है तो c आपका पॉजिटिव, एग्जैक्ट यहाँ जीरो से जा रहा है तो c जीरो, और लेस होता है तो c लेस देन जीरो, गॉट इट। तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक की पिक्चर में अब से ध्यान रखना है कि सी का डिसीजन लेना है तो हमें वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को अगर ये ग्राफ ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव करो, यहाँ जा रहा है तो जीरो करो, और डाउन जा रहा है तो निगेटिव करो, ठीक है, कंप्लीट। तो तीन पोजिशन आपके पास होगी, है ना। तो अभी बिल्कुल आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स सर जीरो कर दे रहे हैं, काम खत्म, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब आपने कहा सर अब बच गया बी, हाउ वी डिसाइड बी, बी कैसे मैं डिसाइड करूं, बात तो सही कह रहे हो यार, बी कैसे डिसाइड किया जाए। तो मैंने कहा बच्चे बी डिसाइड करने के लिए आप थोड़ा सा सोचो, जरा मैं थॉट बदलता हूं, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट, तो बताओ बच्चे डिफ्रेंशिएशन करने पर यह क्या देखेगा, टू एक्स प्लस बी, और डिफ्रेंशिएट करके मैं जीरो रख दूं तो क्या दिखेगा, बी। अरे आपने कहा सर बी तो मिल जाएगा मुझे डिफरेंशिएशन एट जीरो, ठीक है ना। और ये बताओ डिफरेंशिएशन एट जीरो जो होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो बच्चे इलेवेंथ में वो इस पॉइंट को अभी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, ये टेंजेंट क्या है, स्लोप क्या है, मैंने कूल रहो, चिल रहो, ये नहीं कनेक्ट कर पाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिलहाल ठीक है, जो लोग कनेक्ट कर सकते हैं उनके लिए ये हुआ कि हम बी निकालने के लिए जीरो पॉइंट पर जब एक्स जीरो बन रहा है तो उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑब्जर्व करते हैं, और ये स्लोप पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब मैं समझाऊं करना क्या है, बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको वाई एक्सेस पर पहुँचना है, वाई एक्सेस, ठीक है, तो आपको वाई एक्सेस पर पहुँचना है, ठीक है, और उस पॉइंट पे पहुंचना है वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट। तो आपको वाई एक्सेस पर, ठीक है, वाई एक्सेस पॉइंट, ठीक है, वेयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट द ग्राफ, इंटरसेक्ट द ग्राफ, ठीक है। तो
तो हमें एक पॉइंट निकालना, पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, ऐसा लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना है, वाई एक्सेस पर इंटरसेक्शन पॉइंट लॉक करना है जहाँ पर ग्राफ ने कट किया है। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमें बी के लिए क्या करना है, एक पॉइंट पे पहुँचना है। ठीक है, तो फॉर बी, ठीक है, बी के लिए आपको पॉइंट गेन करना है वाई एक्सेस ग्राफ इंटरसेक्ट, ठीक है, वाई एक्सेस, ठीक है, मार्क दैट पॉइंट, आप उस पॉइंट को मार्क करो जिस पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सेस, ग्राफ ने वाई एक्सेस पर जहां पर कट मारा है उस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, चलो आपने कहा ठीक है, तो जैसे इसमें ये वाला पॉइंट मार्क करो, तो किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, तो हमें उस पॉइंट को मार्क करना है, किस पॉइंट को मार्क करना है कि जहाँ पर ग्राफ ने वाई एक्सेस को कट किया है, तो ग्राफ जहाँ वाई एक्सेस को कट कर रहा है उस पॉइंट को मार्क कर दो। अब क्या करना है, अब वहाँ पर कुछ नहीं, आपको फील करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट निकालनी है, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट समझते हैं, टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट पर खड़े होकर एक लाइन सोचो, लाइन। अब बेटे आपके पास तीन टाइप्स की लाइंस होती हैं, है ना, या तो आपकी ड्रॉ की गई लाइन ऐसे होगी, या फिर आपकी लाइन ऐसे होगी, इस तरफ से जा रही होगी, और या फ्लैटर होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो बी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग टेंडेंसी होता है। ठीक है, और ये बी ग्रेटर जीरो, और यहाँ पर बी क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छा। ओवरऑल क्या हुआ फाइनल, ये बी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा, मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी देखना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बी वाले को। देखो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल सेट कर दूँ, जैसे अभी मैंने दो कुछ ग्राफ बनाए, ये बनाए, कुछ भी बना लो यार। ठीक है, अभी देखना सब, मैंने कहा ना आप केवल लेक्चर्स फॉलो करिए और कंक्लूजन तक जाओ। देखो शर्त वही है कि आप पूरा लेक्चर देखोगे और फिर आप जब रिमाइंड करोगे तो कहोगे मजा आ गया, है ना, सारी चीज़ें मुझे रट गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बिल्डअप होती है तो समय लगता है थोड़ा सा, है ना, तो पेशेंस के साथ थोड़ा चीज़ें कनेक्ट करो। देखो अभी ये पिक्चर मैंने, मान लो इस टाइप से एक पिक्चर बनाई, ठीक है, कुछ ऐसे एक पिक्चर ये बनी, एक पिक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे। अभी ये कहा गया कि इट इज़ द, ये वाई इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ, ये दो ग्राफ दिए गए, तो बताओ बी कैसा होगा। अभी भी अपन केवल बी को फोकस कर रहे हैं, तो मैंने कहा बी के लिए हमने क्या सीखा कि वाई एक्सेस को जहाँ कट कर रहा है, ये रहा वाई एक्सेस, ग्राफ ने वाई एक्सेस को जहाँ पे कट किया, ठीक है, यही पॉइंट मैंने वहां लिखा था, ग्राफ इंटरसेक्शन वाई एक्सेस मार्क दैट पॉइंट, तो आप उस पॉइंट को मार्क करिए, ड्रॉ टेंजेंट, अब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, मार्क द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सेस, ड्रॉ द लाइन, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, अब आप खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपने कहा कि सर जब ग्राफ जहां पर कट कर रहा है वाई एक्सेस को, उस पॉइंट पर खड़े हो करके या वहां पर पॉइंट मार्क करके, वैसे अपना पेन रख देना है ना, तो पेन मतलब बस ग्राफ कट नहीं करना चाहिए, उसके बाउंड्री पर, है ना, तो बाउंड्री पर ऐसे पेन रख दोगे, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। वैसे आपको आइडिया होगा, अगर जो 11th के बच्चे देख रहे होंगे लेक्चर तो उनको आइडिया होगा, हम लोगों ने क्लास 10th में टेंजेंट्स वर्ड यूज़ किया है, बाकी ड्रॉपर्स के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, 12th के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलो तो फिलहाल यहाँ पर हमने ऐसे एक लाइन सपोज की जो उसकी बाउंड्री से होके जा रहा है, देख लो ये लाइन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब बी नेगेटिव, यहां पर लाइन कैसी है, इंक्रीजिंग है, मतलब बी ग्रेटर जीरो। आ गई बात समझ में, ठीक, मतलब आप एक बार इसको डिफरेंशिएशन वाले टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लोगे ना, बहुत आसान है। तो मतलब सिंपल सा, अब जो पिक्चर आपको दिखे तो बस वाई एक्सेस पे पहुंच जाओ, ऐसे सोच लो, बताओ कितना आसान है, ये वाई एक्सेस पे पहुंचे, ऐसे आ रहा है स्लोप, खत्म। ठीक है, एग्जैक्ट वर्टेक्स होगा तो फिर ये फ्लैटर बन जाएगा। जैसे इस ग्राफ के अंदर हो सकता है थोड़ी सी पिक्चर आपको नहीं क्लियर समझ में आ रही हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चला और ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ लेना ये ऐसे गया,
मतलब वर्टेक्स इसका कहीं यहाँ लाई कर रहा है, इट इज़ द वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है। अब ठीक है भाई, मतलब ये वर्टेक्स नहीं है। और आपने कहा सर वहीं पे वर्टेक्स होता तो, मैंने कहा रुक जाओ वो भी एक ग्राफ बना लेते हैं, मतलब ग्राफ टचेस द एक्स, ठीक है एक्सेस एक्स एक्सेस, तो एक पिक्चर ऐसे बना लेते हैं जस्ट टच करते हुए गया, ठीक है। नहीं नहीं इसमें तो नहीं बनेगा। तो अभी देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर आपने कहा सर ये हो गया और ऐसे ऐसे टेंजेंट आएगा, ऐसे टेंजेंट आएगा तो क्या फील हुआ, नेगेटिव। आपने कहा सर ये बी लेस देन 0 हो गया, बिल्कुल ठीक बात। हाँ अपन जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे थे बी इक्वस टू 0 वाला, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये एक मिनट ऐसे जस्ट इस, ये रहा वर्टेक्स, ठीक है। तो अभी वर्टेक्स यहाँ पर है तो टेंजेंट अब ऐसे ऐसे नहीं फील होगा, टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा सर वो तो फ्लैटर हो जाएगा ऐसे, और अगर ऐसा हो गया तो बी इक्वस टू क्या हो गया, 0, ठीक। बाकी अब चलो जरा फटाफट इसको और रिव्यू करें, बताओ इस ग्राफ में ए बी सी डिसाइड करना, व्हाट इज ए, आपने कहा सर पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, अच्छा व्हाट इज डी, ग्रेटर 0, टू रियल रूट्स कट मार रहे हैं, व्हाट इज बी, लेस देन 0, और ये बताओ सी के लिए क्या करोगे। सी के लिए आपने कहा सर वाई एक्सेस कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है नीचे नीचे नीचे, तो सी कैसा, लेस देन 0, डन। अभी ए बी सी डी सब पक्का, यस फटाफट क्विक इसमें जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। कैसा पैराबोला, अपवर्ड, ए पॉजिटिव, डी कैसा पॉजिटिव, क्यों दो अलग अलग रूट्स दिख रहे हैं, बी कैसा पॉजिटिव, सर लाइन टेंजेंट ऐसे दिखेगी, और ये अप है तो सी भी कैसा पॉजिटिव, देख लो कट 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 कट, ठीक। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, आपने कहा सर इस वाले केस में ए कैसा है, ग्रेटर 0 टच कर रहा है, डी कैसा है, इक्वल टू 0, और आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो ऐसे चल रही है, तो बी कैसा है, लेस देन 0, बिल्कुल सही बात है, और सी कैसा है, अबव द एक्स एक्सिस ऊपर जा रहा है सी, तो सी कैसा होगा, पॉजिटिव, डन। अब देखो अब मैंने कहा ना अब समराइज करते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आपको एक गिवन पिक्चर अगर क्वाड्रेटिक की गिवन है और ए बी सी डी के बारे में कमेंट्स करना है, मुझे नहीं लगता कोई टेंशन किसी को, ठीक। अब चलते हैं प्रैक्टिस पर। हाँ अब बताएं जरा, अब बताओ ये जो पिक्चर थी अपवर्ड पैराबोला, ए ग्रेटर 0, सर सी करेक्ट है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी ग्रेटर देन 0, सर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट चलो फटाफट, व्हाट अबाउट बी, अभी बताओ बी के लिए, आपने कहा सर यहाँ आते हैं इंटरसेक्ट विद वाई एक्सेस, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सेस ये रहा, मतलब सी कैसा, नेगेटिव, सर डी ऑप्शन भी करेक्ट, अब सी नेगेटिव, स्लोप देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, व्हाट इज द बी, बी बी करेक्ट, और ये सर ये तो ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक जवाब। चलो अब अगला क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, ठीक है फिर से आपको करना है और कमेंट बॉक्स में देखना है ए बी सी डी किसका क्या राइट हुआ, ठीक है। चलो हो गया अटेम्प्ट कर लिया, चलते हैं। कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा, ए ग्रेटर 0, रॉन्ग। नेक्स्ट आओ, टू रियल रूट्स दिख रहे हैं, रियल रूट्स का मतलब डी ग्रेटर 0 होना चाहिए, डी ग्रेटर 0, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बी नेगेटिव सी नेगेटिव, सी कैसा है, आपने कहा सर लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ये यहाँ कट कर रहा है, तो वाई एक्सेस को नीचे कट कर रहा है तो सी आपका नेगेटिव होगा, सही जवाब। और यहाँ पर ऐसे लाइन फील करो तो लाइन ऐसे ही आएगी ना, तो लाइन अगर ऐसे डिक्रीजिंग बनता है तो बी नेगेटिव, और इंक्रीजिंग बनेगा तो बी कैसा, पॉजिटिव। ये बड़ा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी सर्च करना, बी का डिसीजन जो है अक्सर हमारी बुक्स या हमारे टीचर जो हैं वो वर्टेक्स के थ्रू कराते हैं, कि माइनस बी अपॉन 2a ये वर्टेक्स है, इसके थ्रू कराते हैं। मैंने कहा छोड़ो ठीक है ना, हम ए निकाल लेंगे फिर हम वर्टेक्स देखेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मैंने कहा ये बेस्ट होता है, बड़ा आसान फास्ट हो गया, और इसी बहाने हमने टेंजेंट से थोड़ा सा फैमिलियर हुए, थोड़ी दोस्ती बढ़ाई टेंजेंट को लेकर। चलो ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, कह रहे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी नेगेटिव, मतलब ये कह रहे हैं कि ए बी सी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव चाहिए। तो आपने कहा सर इसके लिए सबका ए बी सी निकालना होगा फिर काम बनेगा, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में आइए वो बताइए कितना क्या क्या किसका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। चले मैं स्टार्ट करूँ, ओके पहले क्वेश्चन में ए कैसा है, आपने कहा सर पहले मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ए नेगेटिव है क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है, बी कैसा है डिक्रीजिंग, बी भी नेगेटिव है,
सी कैसा है, आपने कहा सर सी भी निगेटिव है। तो पूछा गया प्रोडक्ट कैसा है, आपने कहा सर प्रोडक्ट भी निगेटिव होगा। क्या मुझे निगेटिव चाहिए, आपने कहा यस सर, डन। तो ये ऑप्शन करेक्ट। यहां चलते हैं, बताओ व्हाट इज ए, आपने कहा ए नेगेटिव। व्हाट इज सी, आपने कहा सर सी यहां पर है, ठीक है तो सी पॉजिटिव। नेक्स्ट व्हाट इज बी, बी कैसा होगा, आपने कहा बी के लिए सर यहां खड़े होके ऐसे लाइन सपोज करेंगे, ये लाइन हमारी इंक्रीजिंग है तो बी अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ए बी सी कैसा, आपने कहा सर वन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो रिजल्ट मस्ट बी नेगेटिव, तो ठीक है दिस इज ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। चलो अब इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में क्या अपवर्ड पैराबोला, व्हाट इज ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो रहा है। व्हाट इज सी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक। एंड व्हाट इज बी, बी कैसा है, आपने कहा सर बी के लिए यहां खड़े होकर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या फील हो रहा है, नेगेटिव, बी इज नेगेटिव। अच्छा दो प्लस और एक माइनस, अगेन व्हाट इज द प्रोडक्ट ए बी सी, आपने कहा सर अगेन नेगेटिव, अरे वाओ थर्ड भी करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ वन, फोर्थ में बताओ ए कैसा है, लेस देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला। सी कैसा है, लेस देन जीरो, क्योंकि सी यहां से जा रहा है, नेगेटिव है वाई एक्सिस के नीचे। अब बी कैसा होगा, आपने कहा सर लाइन तो ऐसे बनेगी ऐसे, और ये लाइन कैसी दिख रही है, डिक्रीजिंग, मतलब बी आल्सो नेगेटिव, और तीनों नेगेटिव हैं, तो व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर, आपने कहा सर ए बी सी आल्सो नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए बी सी इज नेगेटिव, व्हाट आर द आंसर्स, ऑल फोर करेक्ट, ठीक है। तो भी जल्दी से मुझे बताना कितने लोगों का ऑल फोर करेक्ट हुआ है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आ रहा हो तो आप रिस्पॉन्स भी आपको करना चाहिए, है ना, जिससे ठीक है हमें ये पता चले कि मैं क्या और अपने को अपडेशन करना चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो अगेन वही है, क्वाड्रेटिक दिया है, ग्राफ गिवन है, जरा बताओ क्या डाउनवर्ड पैराबोला है, यस सर। क्या ये क्या है, आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, क्या डी लेस देन जीरो, आपने कहा ना सर रूट तो दिख रहा है एक्स वन एक्स टू, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। फिर चलो सी कैसा है, आपने कहा सी, अब यहां पर कुछ बच्चे इनिशियल स्टेज में कह सकते हैं सर सी तो दिख ही नहीं रहा, ये कट ही नहीं हो रहा, हमने कहा देखो ध्यान रखना है कि आपका जो पैराबोलिक प्रोफाइल होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, अगर डाउनवर्ड है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, रोक नहीं सकते हो, ये ब्रांच रुकती नहीं है, माइनस इन्फिनिटी। तो दरअसल में ये ऐसे बना हुआ है, बना हुआ है, लेकिन जैसे से आगे बढ़ते जाओगे ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा 100%, ये क्या होगा, सी कैसा होगा, नेगेटिव, तो सी नेगेटिव है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आओ, ए एंड बी आर अपोजिट साइन, आपने कहा सर अगर पिक्चर ऐसी है तो ये ऐसे चलेगा, और अगर ऐसे चलेगा तो बताओ यहाँ पर लाइन आपको ऐसे फील करा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है ना बी के लिए हम यहाँ पर खड़े होके टेंजेंट सोचते हैं, और बी के लिए हम यहाँ पे खड़े होके अगर बेटे टेंजेंट सोचेंगे, थिंक करेंगे, तो लाइन ऐसे फील हुई, और ये लाइन कैसी फील हो रही है, पॉजिटिव, इसका मतलब बी कैसा है, पॉजिटिव, और ए कैसा है, नेगेटिव। तो क्या ए एंड बी आर अपोजिट साइन, यस सर। व्हाट इज द आंसर, क्या हो गया आपके पास, फोर्थ इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, ये समझ में, क्योंकि इसमें कह रहा है ए एंड बी आर अपोजिट साइन, ठीक है ठीक है, लॉक करें, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अच्छा, और अभी कुछ स्टेटमेंट लिखा, गिवन दैट मॉड अल्फा लेस देन टू, तो एक्स का क्वाड्रेटिक दिया है, कुछ ग्राफ के बारे में, तो आपने कहा सर देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो बात कर लें, वो चर्चा कर लें। तो आपने कहा सर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हमें पता ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा कि नहीं, बिल्कुल सर, डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, आपने कहा सर ग्रेटर जीरो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा नेक्स्ट बी कैसा है, आपने कहा सर सी और बी, सी के लिए यहाँ कट हो रहा है तो सी इज पॉजिटिव, ठीक है, तो सी हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर जीरो। नेक्स्ट बताओ बी कैसा है, ग्रेटर जीरो, क्यों, आपने कहा सर यहाँ खड़े हो ऐसे टेंजेंट डालो। तो ये तो हमारा एक रूटीन का वर्क था जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि सर ए बता सकते हैं, बी बता सकते हैं, सी बता सकते हैं, डी बता सकते हैं, ओके फाइन। अभी हमें देखना है कि ये जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं
इनको हम कैसे क्रैक करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई कहानी, नई स्टोरी जोड़ दी गई, और वो स्टोरी क्या है, इसमें लिखा है मॉड अल्फा लेस देन टू। ठीक है, हाँ जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब ये देखते हैं कि ये कितने चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, तो जिन लोग को लग रहा था अभी तक अरे बड़े आसान क्वेश्चन है, ये चैलेंज है आपके लिए, है ना, करो क्वेश्चन, दो मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलो चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग बात है, इनके ऑप्शंस मैनेज करने के तरीके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। जैसे फर्स्ट तो ईजी है, फर्स्ट में आपने कहा सर ए नेगेटिव है, बी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर किया गया, और सी भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इफेक्टिव रिजल्ट नेगेटिव, डन, ए ऑप्शन करेक्ट। आपने कहा सेकंड में क्या करूं, अरे हमने कहा सेकंड भी बहुत आसान है, ए बी बस कुछ नहीं करते जाओ, ए बी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ए बी क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव, या मैं इसको अलग कर देता हूँ थोड़ा सेपरेट, मतलब ठीक से लिख देता हूँ। तो बी ऑप्शन के लिए मैंने लिखा ए बी ए सी और माइनस बी सी लेस देन जीरो, ये मेरा सेकेंड ऑप्शन था, वेरीफाई करना कि क्या हुआ। ओके तो मैंने कहा हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से, ए इंटू बी कैसा है, ए इंटू बी आपने कहा सर नेगेटिव है, ए इंटू सी कैसा है, ए इंटू सी आपने कहा सर नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, बी इंटू सी कैसा है, पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव है। अब ये बताओ नेगेटिव और ये कैसा है, नेगेटिव प्लस मतलब नेगेटिव, एक मिनट, नेगेटिव एंड नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और ये बी सी पॉजिटिव होगा तो बगल ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव एंड इट इज आल्सो कैसा हो गया, नेगेटिव। अब तीन नेगेटिव नंबर अगर ऐड करोगे, माइनस माइनस माइनस, जैसे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, तो क्या लगता है पॉजिटिव होगा क्या, नहीं है सर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं थर्ड, अब आपने कहा सर थर्ड क्या करें, इस तरह तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, अरे हमने कहा बिल्कुल आसान है, डरो नहीं, बस मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा है, बी सी और ये लिखा 4a+2b+c। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा गेम होता है मैथमेटिक्स के अंदर, अब यार इवन साइंस के अंदर, है ना, ठीक है, ऑब्जर्व चीजों को देखना। तो फिलहाल आपने कहा सर बी और सी पॉजिटिव है, तो ये डब्बा तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, इस डब्बे का क्या होगा, हमने कहा ये डब्बा जरा ध्यान से देखो तो क्या है, और ये सर मिल गया, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक में अगर एक्स की जगह टू रख देंगे तो यही तो मिल रहा है 4a+2b+c। तो आपने कहा सर ये जो डब्बा है वो दरअसल में इस क्वाड्रेटिक का टू पर वैल्यू है, एट टू व्हाट इज, तो आपने कहा दिस इज, तो अच्छा अब टू यहां दिख रहा है, देखो ग्राफ में इन्होंने टू दिखाया और टू पर ये ब्रांच ऊपर दिख रही है, मतलब टू पर ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आह इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव, तो बेटे ये भी पॉजिटिव और बगल में पॉजिटिव था, तो फाइनल बताओ क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो थर्ड ऑप्शन आल्सो करेक्ट। अब बात आई सर फोर्थ ऑप्शन की, है ना, फोर्थ में क्या करें, मैंने कहा अच्छा बताओ फॉर फोर्थ ऑप्शन हमने लिखा ए बी इंटू 4a-2b+c। अच्छा तो आपने कहा सर ए बी ये हिस्सा तो नेगेटिव होगा, देखो सही बात है, दिस इज नेगेटिव, और ये क्या है, आपने कहा सर ये तो -2 पर वैल्यू दिख रही है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का -2 पर वैल्यू, तो बस हमें ये पता करना सर -2 कहाँ पर है, यहाँ है यहाँ है, उसके हिसाब से आंसर कर देंगे, टू तो मुझे यहाँ दिख रहा था। तो आप इस क्वेश्चन में ये देखो, अब ये जो लैंग्वेज आया मॉड अल्फा लेस देन टू, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बिलोंग्स टू -2 2 2, तो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो अल्फा है वो -2 और 2 के बीच में है, आहा तो ये जो रूट है वो -2 और 2 के बीच में है, तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, -2 इधर है, -2 अगर इधर है तो -2 अगर इधर है, एक मिनट एक मिनट, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन मारता हूँ ऐसे, तो अभी आपने देखा कि सर -2 पर ब्रांच ये दिख रही है, तो -2 पर क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ -2 भी नेगेटिव, और अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड फिर बताओ व्हाट इज द आंसर करेक्ट, फोर्थ, वंस अगेन ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से बच्चों ने अच्छा रिएक्ट किया होगा, बहुत पोटेंशियल होता है बच्चों के अंदर, है ना,
और कुछ नहीं कर पाए होंगे, तो जो नहीं कर पाएंगे हो सकता है इस वाले थॉट पर, है ना, कि आपने एबीसी तो सीख लिया था बट ये जो कॉम्बिनेशन मतलब इक्वेशन पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू है वो नहीं सीख पाए, तो आपको एक चीज़ और फील हो रही है कि छोटे से कॉन्सेप्ट पर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैनेज होती हैं, यही कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल सिंपल रहते हैं और पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी बनाते हैं, तो ये हमें कैसे निकलता है, जब हम ऑब्जर्वेशन को और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पर, अच्छे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल होता तब है तभी तो हमारी ये ब्रांचेस बनी, नहीं है तो भी कहाँ से बनेंगी। ओके ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहे हो ग्राफिकल पर ही मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, बिलीव करोगे कितने सारे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, उससे कुछ नहीं, ए बी सी अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, तो काफी कुछ। अभी ग्राफ पर और भी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक इसी पर ग्राफिकल में मैं रेंज पर बात करूंगा, वर्टेक्स पर बात करूंगा, ठीक है। आज का टॉपिक सिर्फ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की, ग्राफ को देखकर ए बी सी का साइन कैसे जज किया जाए। अगला क्वेश्चन जल्दी से तैयार करो और फटाफट आंसर मालो, इन द ग्राफ एज शोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये पिक्चर दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो चलो अपन क्या कर सकते हैं वो पहले बताएं। वट इज ए लेस देन जीरो, वट इज डी ग्रेटर जीरो, वट इज बी, बी कैसा है, ठीक है। आपने कहा सर यहाँ खड़े होंगे टेंजेंट ऐसे फील कराएंगे, ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा ही डाउट हो रहा है कि सर वर्टेक्स की पोजीशन इन्होंने नहीं बताई, बात तो सही कह रहे हो कि वर्टेक्स इसी पॉइंट पे जा रहा है या इधर शिफ्टेड है, तो मैंने कहा क्या लग रहा है, ये देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वल दिया है, आहा सर इक्वल, तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका मतलब वर्टेक्स यहीं पर है, वर्टेक्स यहाँ है तो ऐसे फील होगा, तो बी एग्जैक्ट जीरो आएगा, सी कैसा है पॉजिटिव, ये देख लो थोड़ा डिफरेंट। वही मैंने कहा एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चन बनाते हैं, और देख लो ये दीज आर इक्वल लिखा है, ठीक है। तो आपको जो डाउट था कि नहीं सब पिक्चर क्लियर नहीं है मैं नहीं बना पा रहा हूँ, देखा सब क्लियर था यार, ठीक है। चलो बच्चे ए पता, डी पता, बी पता, सी पता, नो वॉट नो क्वेश्चन, ठीक है स्टार्ट। पहला ऑप्शन लेते हैं बी माइनस ए, तो आपने कहा सर बी तो जीरो हो गया और ए कैसा है नेगेटिव हो गया। अब बताओ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखा है लेस देन जीरो, रॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं बी क्या हो गया जीरो, सी कैसा है पॉजिटिव, ए कैसा है नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कैसा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी बताओ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट जीरो होगा, आपने कह सकते, देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव का सम जीरो तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत, नहीं आया समझ में, ठीक है बी जीरो हो गया, सी डेफिनेटली पॉजिटिव है दिख रहा है, ठीक है, और ए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाउ इट इज जीरो, नहीं। अब चलते हैं थर्ड वन, थर्ड में बी जीरो है और ए हमारा क्या है, आपने कहा ये सर नेगेटिव है ए जीरो कहाँ हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ये बताओ थ्री रॉन्ग हो गए तो फोर्थ पक्का करेक्ट, तो अगर आप सिंगल च्वाइस क्वेश्चन में हो या मल्टीपल में भी हो यार तीन रॉन्ग हो चुके हैं, तो तीन रॉन्ग हो चुके हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं सब वेरीफाई करते हैं, क्या पता क्वेश्चन गलत हो, क्या पता हम ही लोग कुछ गलत कर गए, अच्छा मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं, बी हो गया हमारा जीरो लॉक, सी कैसा है पॉजिटिव लॉक, और माइनस ऑफ ए कैसा है नेगेटिव। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तो एक्चुअल में पॉजिटिव पॉजिटिव, डेफिनेटली रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव, तो वही जो कह रहा था कि कई बार हम हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर ना निकाल पाए, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में देता हूँ, इट्स एच डब्ल्यू, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने अच्छे से किया होगा और अच्छा रिस्पॉन्स करा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होम असाइनमेंट में, दूसरा क्वेश्चन इट इज आल्सो होम असाइनमेंट और इट इज आल्सो होम असाइनमेंट, तो ये तीन क्वेश्चन मैंने होम असाइनमेंट में दिए हैं, ठीक है। तो आप इन तीन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और मुझे राइट आंसर भेजो, नेक्स्ट टाइम मैं फिर इस पर डिस्कशन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज का हमारा टोटल टॉपिक किस पर फोकस था, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सिंपली सिंगल वेरिएबल एक्स में क्वाड्रेटिक था इक्वल्स टू वाई किया हमने,
तो इक्वेशन को एक्सप्रेशन में डाइवर्ट किया, उसके ग्राफ को हम स्टडी कर रहे थे, या y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हम स्टडी कर रहे थे। तो बरस हमने सीखा कि x का अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, वो कई सारे केसेस बना रहा था, उन केसेस पर बेस्ड हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई। अगला लेक्चर, कल लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ को और आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, रेंज वाइज, मैक्सिमा मिनिमा वाइज, कॉन्केविटी वाइज, ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, टिल बाय बाय। और ये तीन क्वेश्चंस मुझे, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा सेशन रहा, तो उसको लाइक करना, ओके, मिलते हैं कल फिर।